केंद्र सरकार के तीन काले कानून के खिलाफ कांग्रेस ने वर्चुअल किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 36 जिला कांग्रेस मुख्यालय और 37 ब्लॉक मुख्यालयों से लोग जुड़े। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, भूपेश बघेल भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। पीएल पुनिया ने कहा कि ये कृषि कानून का ड्राफ्ट अंबानी और अडानी के दफ्तर में तैयार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे और इस कानून को हम छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे। और पूरी तरह से उद्देश्य स्पष्ट है, जो तीन काले कानून जो मोदी सरकार ने कहने को तो किसानों के हित में जारी किए, लेकिन किसानों के खिलाफ, किसानों के हित के खिलाफ, किसानों के लिए काले कानून के रूप में केवल और केवल उद्योगपति और बड़े व्यवसायी उनके पक्ष में ये कानून है, और इसलिए मांग रखी गई इसको वापिस किया जाए, इसको वापिस किया जाए। ये जो कानून है, ये व्यापारी, जो बड़े व्यापारी हैं, जो जमाखोर लोग हैं, उसके लिए कानून बनाया गया है। ये किसानों के लिए नहीं है, चंद बड़े पूंजीपतियों के लिए ये कानून बनाया गया है। यदि सच में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में बैठी हुई है, वो किसानों के हित करना चाहती है, तो मैं किसानों की तरफ से एक ही बात कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक बाजार, एक शब्द और जोड़ दीजिए, चाहे वो मंडी के भीतर हो, चाहे मंडी के बाहर हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे पैन कार्ड धारी हो, यदि वो खरीदते हैं तो वो समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, और जो नहीं खरीदेंगे उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने